नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। फ्रेंड्स, MPPCS जे का एग्ज़ाम अब आने वाला है आपको, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो है क्लासेस आप चलाने वाले हैं, आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराएंगे संविधान से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप पहले हम एक बार इंडेक्स पर नज़र डाल लेते हैं, जो हम देख लेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, प्रस्तावना, उसके महत्व और उसकी विशेषता पढ़नी है हमें, संविधान की विशेषताएं पढ़नी है हमें, राज्य की परिभाषा पढ़नी है हमें, उसके उदाहरण और क्या न्यायपालिका राज्य है, ये राज्य है या नहीं ये पढ़ना है हमें। अनुच्छेद 13 पढ़ना, उसके महत्व को पढ़ना है, मूलाधिकार और नीति निर्देश तत्वों को हमें पढ़ना है, इनके संबंध बताना है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 28 और 32 से 26, ये सारे हमें अधिकार पढ़ने हैं। हम ये सारे कवर कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। केंद्र और राज्य के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंध के विषय में पढ़ लेंगे। आपात उपबंध पढ़ लेंगे हम लोग। 19वां जो है वो पढ़ लेंगे, संविधान संशोधन और मूल ढांचे का सिद्धांत, विधायी प्रक्रिया, संबंधित अधिकार और सिद्धांत और संविधान संघात्मक एकात्मक पढ़ लेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच में व्यापार, लोक सेवा आयोग और लोक सेवकों के संशोधन, संवैधानिक संरक्षक, चुनाव आयोग, अधिकरण और नागरिकता, ये जो है लगभग 26 है। ये 26 आप टॉपिक इनको समझ लीजिए, हम ये 26 टॉपिक कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, जो कि आपके MP जज के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ये भाग 5 है, जिसमें भाग 5 में है भाग 5 से हम लोग आज कवर करते हैं। भाग 5 में है संघ, भाग 5 में दिखाया हुआ है संघ, इसका अध्याय 1 करेंगे। केंद्र के कार्यपालिका की शक्तियाँ, मतलब केंद्र का कार्यपाल कौन होगा, कौन देख रेख करेगा केंद्र में, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए, जो संघ की यानी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ये करा सकता है। ये आर्टिकल 53(1) कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा यानी वो ही संघ की कार्यपालिका का सर्वोच्च होगा, और वो या तो अपने द्वारा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा आर्टिकल 53 के तहत ये कार्य कर सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संघ की रक्षा बलों और सर्वोच्च समादेशी राष्ट्रपति में ये राष्ट्रपति में निहित होगा, और उसका उपयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। ये अनुच्छेद 53(2) कह रहा है। जो मैं बता रही हूँ आपको, ये याद रख लेगा आप, इनको एज इट इज़ याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसमें बता रहा है कि महत्वपूर्ण है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, यानी कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा 53(52), जो ये बताता है कि भारत का केवल एक ही राष्ट्रपति होगा, और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी जबकि भारत का कोई राष्ट्रपति ना हो। इस निष्कर्ष की पुष्टि राष्ट्रपति पद रिक्त की परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति द्वारा उसका पद ग्रहण करेंगे, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाल लिया जाएगा, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा राष्ट्रपति के पद पर उनको रखा जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है भारत में खाली नहीं रहेगा, और भारत में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होगा, ये बताता है अनुच्छेद 52। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की पद अवधि जो है उसकी समाप्ति से पहले ही पद के लिए निर्वाचन करा लेना है। यानी कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है संविधान में कि राष्ट्रपति का पद जब तक समाप्त होने वाला होगा तो उस समाप्ति के पहले पहले ही राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन करा लेना है। इसके अलावा जब तक राष्ट्रपति का अधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने पद धारण करता रहेगा। अब देखिए, अभी अभी जो चौदहवें चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव हुए थे 14वें भारत में, जिसमें रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन जब तक राष्ट्रपति जी ने शपथ नहीं ले ली थी, मतलब जब तक रामनाथ कोविंद जी ने शपथ नहीं ले ली थी, तब तक भारत के राष्ट्रपति जो है वो 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ही कहलाए। और जब रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण कर ली थी, उसके बाद में 14वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये बोल रहा है कि इसके अलावा जब तक राष्ट्रपति अपने अधिकार
अपना पद ग्रहण दूसरा राष्ट्रपति जो होगा तो अपना अधिकार अपनी घर अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक कोई भी राष्ट्रपति अपना पद खाली नहीं छोड़ेगा। और ये इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है अनुच्छेद 56, 64, 65 और 55। ये जो अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट है, ये अनुच्छेद पुष्टि करते हैं कि ये अनुच्छेद जो है वो पुष्टि करते हैं कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण नहीं करता जब तक, तो तब तक पुराने वाले राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। आगे देखते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती है। देखिए जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में नहीं होती है। इसका प्रभाव यह होगा कि इस शक्ति का प्रत्योजन नहीं किया सकता, यानी इस शक्ति का प्रत्योजन नहीं किया सकता राष्ट्रपति में, नहीं यही निहित होगी शक्ति। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संसद की विधि बनाने की शक्ति और किसी संधि तथा करार के आधार पर भारत सरकार को मिले अधिकारों का प्रयोग करने तक होगा। यह है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो होगा वह संसद के विधि बनाने की शक्ति तथा किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को मिले अधिकारों को प्रयोग करने तक ही होगा। अनुच्छेद 73 ये बताता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में, और अनुच्छेद 73 के बारे में देखते हैं। जो अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 73 बताता है कि जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग बनाम लोकेंद्र मोहन, ये केस का नाम है AIR 1994 SC 117। ये केस का नाम है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट केस है जो बताता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति में के नाम से ही की जाएंगी। मतलब जो भी भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी और निष्पादित आदेश और लिखितों को राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा, बनाए जाने के नियमों द्वारा अधिप्रमाणित भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और ऐसे आदेशों या लिखित की विधि मान्य इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह आदेश राष्ट्रपति द्वारा किया गया है या निष्पादित आदेश है या लिखित नहीं है। अनुच्छेद 77 ये बात कहता है। नेक्स्ट केस देखते हैं, कॉमन कॉज एक राष्ट्रीयकृत सोसाइटी बनाम भारत संघ, AIR 1999 SC 2751। इस मामले में बताया गया है, इस मामले में तय किया गया था कि यदि राष्ट्रपति द्वारा स्वयं आदेश नहीं दिया जाता तो उसकी सहायता, उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। राष्ट्रपति की को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। देखिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी सलाह और सहायता के अनुसार ही कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर एक बार पुनः विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद कह सकता है और पुनः विचार के पश्चात सलाह के अनुसार कार्य करना राष्ट्रपति के लिए आज्ञापक होगा। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने मंत्रिपरिषद के सलाह पर कोई कार्य कर सकता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो देखते हैं किस किस अधिकार। देखिए जो राष्ट्रपति कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं उसमें सबसे पहले जो नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री की करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति और भी बहुत सारी नियुक्तियाँ करते हैं, जैसे कि कैग की महालेखा नियंत्रक जो है उनकी नियुक्ति करते हैं और लोक सेवा आयोग जो है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब बहुत बड़े बड़े जो SC ST के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति करते हैं, जो बहुत बड़े पद होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है जो कि उनको कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हो सकती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, किसी भी विधेयक को अनुमति से इनकार करना या फिर रोकना, किसी भी विधेयक को अनुमति ना देना यानी कि इनकार करना या फिर किसी विधेयक को रोक के रखना, इस कार्यपालिका शक्ति को वीटो की शक्ति कहा जाता है। वीटो की शक्ति किसको कहा जाता है, कहा जाता है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति इनकार कर सकता है या फिर किसी को रोक के रख सकता है, ये इसको वीटो की शक्ति कहा जाएगा। जब विधेयक को पर अनुमति तुरंत नहीं दी जाती तब भी इस शक्ति को वीटो कहा जाएगा। सपोज़ राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया है और उस पर कोई अनुमति नहीं दी है, ना तो हाँ कहा है ना कहा है, उसकी कोई अनुमति तुरंत नहीं दी जाती है, तब भी उसको वीटो की शक्ति का उपयोग करना कहा जाएगा। वीटो मूलतः जो होता है ये लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है टू फॉरविड, इसका अर्थ होता है रोकना या फिर मना कर देना, किसी बात को रोकना या फिर मना कर देना। विधिवेत्ताओं के द्वारा वीटो के दो आधार मान्य किए गए हैं, जो है अविचारित विधायनों को रोकना या फिर संवैधानिक विधायनों को रोकना, इसमें ये दो बताए गए हैं। आगे देखते हैं इस शक्ति की झलक जो है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 111 में
राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद 111 में और राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद 200 में 201 में ही दिखाई पड़ती है। जो वीटो पावर है वो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 111 के द्वारा यूज़ किया जाएगा या फिर राज्यपाल अगर करेगा तो अनुच्छेद 200 के द्वारा और 201 में दिखाई इसकी झलक पड़ती है। वीटो की शक्ति जो है वो इन दोनों ही अनुच्छेदों में निम्न प्रकार से मानी जाएगी। तो कैसे मानी जाएगी? पहले है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो के बारे में देखते हैं। अत्यंतिक वीटो क्या होता है? अत्यंतिक वीटो का तात्पर्य है कि विधायी को विधेयक जो विधेयक आते हैं उन पर अनुमति देने से इनकार करना और भारतीय राष्ट्रीय पति के पास अत्यंतिक वीटो जैसे कि शक्ति की परिकल्पना करना कठिन है। कोई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि जिसमें मंत्री खुद ही विधेयक पर इनकार की सिफारिश दे, जिसमें अगर मंत्री खुद ही इनकार की सिफारिश दे देता है तो उसको अत्यंतिक वीटो माना जाएगा। अगला है उसका ए ऑप्शन है कि जबकि वह विधेयक जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए वीटो राष्ट्रपति के लिए पहुंचा है जिसको इनकार करने वाला है वो विधेयक प्राइवेट विधेयक हो यानी कि गैर सरकारी हो, गैर सरकार द्वारा लाया जाए और उस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा एब्सोल्यूट वीटो कर सकता है। यदि कोई विधेयक है जो कि सरकारी विधेयक नहीं है, गैर सरकारी विधेयक है, प्राइवेट विधेयक है और उसको राष्ट्रपति जो है वो एब्सोल्यूट वीटो कर सकता है। आगे देखते हैं बी पॉइंट है इसका। बी पॉइंट है सरकारी विधेयक तब सरकारी इस्तीफा दे चुकी हो और नए मंत्रिपरिषद ने उस विधेयक के संबंध में नकारात्मक सिफारिश की हो। बोल रहा है ऑप्शन बी जो सरकारी विधेयक है जब सरकार इस्तीफा दे चुकी है यानी कि जो सरकार है वो जब इस्तीफा दे चुकी हो और नए मंत्री उस विधेयक के संबंध में नकारात्मक सिफारिश कर रहे हो तो तब ये दो परिस्थितियाँ लागू होंगी। जो परिस्थिति लागू होगी वो है निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो जो निलंबनकारी वीटो है इसमें यह है कि जब राष्ट्रपति विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस करता है, जो विधेयक है राष्ट्रपति उनको पुनर्विचार के लिए वापस करता है परंतु वीटो निम्नलिखित इसकी जो है निम्नलिखित सीमा है। निलंबनकारी जो वीटो है इसमें है राष्ट्रपति जो है विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं। वो सीमाएँ कौन कौन सी देख लेते हैं। पहली सीमा है यह वीटो धन विधेयक के संबंध में लागू नहीं होगी। जो धन विधेयक है उसके संबंध में ये निलंबनकारी वीटो जो है वो लागू नहीं होगी। और दूसरी इसकी सीमा है यदि पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को पुनः दोनों सदनों द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। सपोज कोई भी विधेयक है वो दोनों सदनों में पारित हो चुका है उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देगा, उसको रोकेगा नहीं। ये तो इसकी सीमाएँ हैं। अगली पावर है जेवी वीटो या फिर पॉकेट वीटो। जेवी वीटो पॉकेट वीटो ये क्या होती है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपनी अनुमति के लिए रोक लेता है यानी कि कोई सीमा नहीं होती है, अनिश्चित काल होता है, एक दिन, दो दिन, एक महीना, 10 साल, कभी तक भी राष्ट्रपति इस विधेयक को रोक लेता है और अपनी कोई भी राय नहीं देता तो तब इस वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वीटो जो है जेवी वीटो या फिर पॉकेट वीटो कहलाती है। अब इसमें जो अनुच्छेद 111 है वो बताता है कि राष्ट्रपति और अनुच्छेद 200 है वो राज्यपाल के संबंध में है यानी कि अनुच्छेद 111 है में राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो है वो इस वीटो पावर का जो है इस्तेमाल करता है। और इसमें जो धन विधेयक के संबंध में ऐसी क्या जो धन विधेयक है उसके संबंध में ऐसा धन विधेयक के संबंध में ऐसा किया जा सकता है और उसमें जो निलंबनकारी वीटो है उसमें धन विधेयक के संबंध में ये लागू नहीं होगा और इसमें धन विधेयक के संबंध में ऐसा किया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्यपाल को अनुच्छेद 200 में लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त है। जो अनुच्छेद 200 है ये देखिए जो अनुच्छेद 200 है वो राज्यपाल को अनुच्छेद 200 में बिल्कुल ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं लगभग जो कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को है परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसकी भी दो अतिरिक्त इसमें सीमाएं हैं, वो सीमाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली सीमा है यदि विधेयक ऐसी विधि से संबंधित है जो कि उच्च न्यायालय की शक्तियों के अल्पीकरण कर सकती है तो अल्पीकरण होगा और ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यदि कोई ऐसा विधेयक है जो कि उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट की शक्तियों का अल्पीकरण कर सकती है, जो कि हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं उनको अल्पीकरण कर सकती हैं या फिर उससे पता लगता है कि शक्तियों का अल्पीकरण होगा
तो ऐसे विधेयक को जो है राष्ट्रपति के लिए रखा जाएगा आरक्षित। और जो ऐसे विधेयक को रखा जाएगा, ये जो विधेयक रखा गया है वो केवल राष्ट्रपति ही उसको देखेगा, राष्ट्रपति ही उस पर अनुमति देगा, राज्यपाल उसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें राष्ट्रपति ही करेगा क्योंकि वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया है। और इसमें एक बात और आप देख लीजिए कि इसको रोकने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति का ही होता है, यानी कि राष्ट्रपति ही इसे रोक के रखे, राष्ट्रपति से अनुमति दे, राज्यपाल इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें राज्यपाल की भूमिका की जो परिस्थिति है वो लगभग समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। खैर, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए चाहे तो राष्ट्रपति के राज्यपाल के पास पहुँच भेज सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहता है तो वो राज्यपाल को इस विधेयक के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसकी बात है, यह जो पुनर्विचार की प्रक्रिया होगी, ये पुनर्विचार 6 महीने के भीतर होगा। ये जो पुनर्विचार का समय होगा ये 6 महीने का होगा, और इसी अवधि में 6 महीने में ही इस विधेयक को पास करना होगा, ये पारित करना भी इसी समय में होगा, और पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए पुनः प्रस्तुत करना होगा। जब ये विधेयक पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास इसे अनुमति के लिए प्रस्तुत करना होगा। फ्रेंड्स, ये थी राष्ट्रपति की वीटो पावर। नेक्स्ट वीडियो में अध्यादेश की जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, क्योंकि MP जज का एग्जाम आने वाला है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, और आप अगर मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको 10 में से पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।